मॉर्निंग एवरीवन। सो फिलहाल मैं हूँ अभी तेजपुर में और आज है इंडिपेंडेंस डे और एक अपनी राइड शुरू होने वाली है, एक नई जगह, एक नई जर्नी, एक नई प्लेस। बहुत दिनों से अपना इच्छा लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में कि हम उस जगह जाएं जिसका नाम है एनिनी। मतलब मैं और मेरे कज़न का, मेरे भाई का, हम दोनों का बकेट लिस्ट में था कि अनिनी। बहुत बहुत मतलब नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, अनिनी नहीं गए। मोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि सर्च मतलब बहुत लोगों के बकेट लिस्ट में रहता है ये, तो हमारा भी बकेट लिस्ट में है और अभी इसको पूरा करने जा रहे हैं हम। तो अभी मैं हूँ तेजपुर में, हूँ मेन टाउन, और यहाँ अभी अपना बाइक को मैं निकाल रहा हूँ फ्रॉम KRC पैलेस। कल रात हम यहीं पे थे, आराम से निकालते हैं बाइक को। चलिए जी, व्हाट ए गुड मॉर्निंग। डॉगीज एवरीवेयर, हेलो हेलो डर्टी फेलो। वाओ, आज 15 अगस्त का दिन है इसलिए ट्रैफिक सर का ड्यूटी सुबह सुबह ही लग गया है। पहुंच जाते हैं आजकल, आज तो भाई स्ट्रिक्ट है। आज मुझे लगता है हाईवेज खाली मिलनी चाहिए बिकॉज आज सबकी छुट्टी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कज़न के पास। मैं हूँ अभी मेन सिटी में, तो सिटी से मुझे जाना होगा सोलह गांव से कज़न के साथ। हम दोनों एक साथ होके जाएंगे टूअर्ड्स अनिनी। आज का डे प्लान वही रहेगा कि मोस्टली कवर करना है सिलपथार, जुआई तक कवर करना है। जुआई में रुकेंगे, कैंप नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी रीज़न। तो जैसे हम अरुणाचल घुसेंगे वहाँ से हम अपना कैंपिंग स्टार्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एकदम रेडी है, बोला ही थे हमने कि वो रेडी होंगे। A few moments later. करीब 9 बजने वाले, करीब क्या 9 बज गए हैं और हम अभी करीब 60 किलोमीटर आ चुके हैं। तो ये 4 लेन है एंड अभी का मौसम देखिए, बादल पूरा चढ़ा हुआ है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, अपने रेन को चढ़ाने वाले हैं। बेटर टू बी सेफ, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आएगा, बचने का ऑप्शन नहीं रहेगा। देख ही रहे हैं कितना खतरनाक बारिश आएगा अभी। और ये रही हमारी बॉडी ऑल गियर्ड अप। तो कैसी लग रही है बताना आप। ये हमारा झंडा थोड़ा घूम गया है। स्पीड 60 मेंटेन कर रहे थे ना, और ऐसे भी बहुत हवा आ रहा है तो ये उड़ रहा है। तो फटाक से अपना रेन कवर लगा लेते हैं। भाई राइड को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, इट्स टू रेनी आउटसाइड। मतलब बहुत ज़ोर से बारिश आ रहा है एंड वी आर अवेयर कि बारिश होगा ही। तो वी आर प्रिपेयर्ड, आवर बाइक्स आर सेफ, फुल्ली पैक्ड। चलो निकलते हैं, अभी माइक को अनप्लग करेंगे, इसके आगे जब बारिश कम होगा तभी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये अभी हम लोग विश्वनाथ में हैं, अभी तो करीब जुआई पहुंचने में। अब आज का पिट स्टॉप जुआई रखेंगे, पिट स्टॉप नहीं, आज का एंड जुआई में रुकेंगे। नेक्स्ट अभी निकलेंगे तो लखीमपुर में ही रुकेंगे कुछ खाने वाने के लिए, अदरवाइज कंटिन्यू रखेंगे। 290 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर आ चुके हैं। हेलो बच्चा लोग, साइकिल मार क्या रहो? क्या मिला आज स्कूल में, क्या मिला आज? स्वतंत्रता दिवस नहीं, आप लोग कहाँ से आए हैं? ये खाने को क्या मिला? खाने को बूट, बूट मिला, ये बूट देता है। सिलापथार जाएगा? सिलापथार
एक तो यहाँ बैठो, यहाँ दो बैठो, पीछे में तीन टू बैठ दो हो जाएगा। यहाँ पे भी दो टू बैठा देगा। नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, ये छोटा, ये वाला गाड़ी है, टूरिंग गाड़ी है, टूरिंग। ठीक है चलो। तो भैया जी, अपडेट ये है कि हम करीब करीब 143 किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक। सुबह 7 बजे से लेके दो बार रुके हैं, ये सेकेंड टाइम है यहाँ पर रुक रहे हैं। दिस इज़ बांदरदुआ, ईटानगर गेट है यहाँ पर, जहाँ पर अगर आप ईटानगर जाना है तो यहाँ पर ईटानगर गेट है, बांदरदुआ गेट बोलते हैं। तो ईटानगर जाने के लिए यहीं से जा सकते हैं, एंड उसके लिए तो ILP चाहिए, चेक गेट है। तो यहाँ से हमें सीधा जाएंगे, नॉर्थ लखीमपुर है, देन गोगामुख, फिर उसके बाद हमें रुकना है जुनाई में रुकेंगे आज। तो जुनाई करीब 295 किलोमीटर है। गोगामुख में हमें अभी खाने के लिए रुकना है, दैट इज़ 75 किलोमीटर। बीच में ऑफ रोडिंग भी हुई, रास्ता बहुत ख़राब था यार, बांदरदुआ वाला रास्ता ख़राब है। शायद दूसरा कोई रास्ता भी होगा टू टेक ए डाइवर्जन डायरेक्टली टू नॉर्थ लखीमपुर, बट ये रास्ता मैंने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है, तो मैं इसी रास्ते में आ गया, कंटिन्यू कर दिया। बीच में बहुत रास्ता पैच ख़राब था, एक से दो किलोमीटर का पैच पूरा ख़राब है, बट नो प्रॉब्लम, अपना तो हिमालयन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपन चले चले रहे हैं। हमारा खाना आ चुका है, तो अभी हम हैं धेमाजी में एक रेस्टोरेंट में, बहुत भूख लग रहा था तो हमने रोटी ऑर्डर की है एंड मिक्स वेज, इसका सफाया करते हैं। तो ऑल सेट, हमने यहाँ पर लंच किया एंड द टाइम इज अराउंड 4, 4 बज गया यार। ठीक है, क्या लग रहा है तेरा? अच्छा, सो टाइम अप्रॉक्स 4 बज रहा है एंड ये राज होटल था धेमाजी में, तो यहाँ पर अपने ने लंच कर लिया। 200-250 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुके हैं सुबह 7 बजे से, एंड अभी और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर करना है जुनाई तक, और हो सके तो ट्राई करेंगे और आगे जितना हो सके टाइम मिले तो आगे जाएंगे। 3:46 PM हो रहा है, 248 किलोमीटर हो गया है। तो ये धेमाजी सिटी है, जस्ट सर्किट हाउस के अपोजिट में राज होटल है जहाँ पर हमने लंच किया है, और अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं और अप्रॉक्स 100 किलोमीटर चलाने का हमारा प्लान है। और 100 किलोमीटर मतलब जुनाई है, जो कि लास्ट बोल सकते हैं सिटी ऑफ असम है, जहाँ से उसके बाद अरुणाचल का सिटी में हमको एंटर हो जाएगा, मतलब सिलापथार बोल सकते हैं, सिलापथार, रोइंग, ये सब सब आपका अरुणाचल में पड़ता है। तो माइट भी यहाँ पर ILP हमें लेना पड़ेगा, तो ILP के लिए हम वहाँ पर रुक जाएंगे। ILP बनाने के बाद अगर ILP बन जाता है तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आज वहीं पर रुकते हैं, क्योंकि आज मोस्टली बंद है सब जगह, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मोस्टली जितने भी एस्टेब्लिशमेंट, शॉप, ऑफिस सारे क्लोज्ड हैं, तो इस वजह से माइट भी आज वो पास तो नहीं मिलेगा। तो हमें जुनाई या फिर उसके आगे जितना भी जा सके तो कहीं पर रुकना पड़ेगा, जहाँ से परमिट चाहिए, जिसके आगे से परमिट चाहिए। भाई हो चुकी है कांड, मैंने जैसे बताया मेरा गाड़ी हो गया है ब्रेकडाउन, टायर का बैंड बच चुका है, ट्यूब निकल गया है। RSO को फ़ोन किया था भाई, RSO वाले ने भी हार्ट ऑलमोस्ट खड़ा कर दिया था, जो टोइंग वाला है बोलता है 90 किलोमीटर दूर है, 3-4 घंटा लगेगा भाई, जो बोलते हैं ना मौके पे काम कोई नहीं आता, तो वो RSO वाला भी धोखा दे दिया था ऑलमोस्ट। बाद में मेरे को बोला RSO का टोइंग वैन वाला कि आप खुद से करके ले जाओ, पैसे मैं आपको दे दूँगा। ये है हालत RSO का, सर्विस सेंटर बंद है, 15 अगस्त है ऑलमोस्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है बंद हो सकता है, एटलीस्ट यार पिकअप ड्रॉप तो कर देते अच्छे से,
12 किलोमीटर दूर है सिर्फ सर्विस सेंटर, और बोलता है टोइंग वाला मैं 3 घंटे दूर हूँ। ये है सर्विस हिमालयन का। तो फिलहाल नो इशूज़, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आधा किलोमीटर दूर ही एक मैकेनिक से बात हुआ है, उसको ठेल के ले जाएंगे, देखते हैं वो बना पाता है कि नहीं। अगर बना दिया तो पहले थैंक गॉड बन जाएगा, तो बस और क्या चाहिए। नहीं बन जाए तो फिर टोइंग करके फिर ले जाएंगे चुनाई, और वहीं पे कुछ रहने का इंतज़ाम करेंगे। फ़िलहाल के लिए बाइक हमने आगे लगाया हुआ है, ये टायर का पूरा ट्यूब निकल गया है, कट गया पूरा। तो ये हालत है अभी भाई, किसी तरह ठेल के इधर लेके आ गए, भैया मिल गया है बनाने के लिए। किसी तरह ठेल ठेल के लेके आया मैं इधर, पसीना से हालत ख़राब है मेरा। तो पहला ब्रेकडाउन है मेरा ऐसा ख़तरनाक। ओके बाय बाय। पहला ब्रेकडाउन है हिमालयन का मेरा, पता नहीं क्या होगा। बता देता हूँ, उसका नकल जो पाम भरते हैं ना, हाँ निकल गया। ये है अपडेट, तो ट्यूब का जो मेन जहाँ से हवा भरते हैं ना, वही टूट गया है। बहुत एट द एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। टाइम 8 बज गया है, इशू हमारे साथ हुआ था 6 बजे, और 2 घंटे के जद्दोजहद के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।